आइए अब कुछ प्रॉपर्टी लिखेंगे। देखिए फॉर्मूले हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, सब कुछ लिखा हुआ है इसमें। एन लगातार नंबर है, सभी का स्क्वायर है, ये क्यूब है। पहली एन विषम संख्या का योग, पहली एन सम संख्या का योग, देखिए इसमें लगातार संख्या दे रखा है, यानी कई बार ऐसा क्वेश्चन आया था कि भाई 1 से लेके 50 तक के आपसे डायरेक्ट नहीं पूछा, 25 से 50 का पूछ लिया। तो ऐसा नहीं है पहले 1 से 50 निकालेंगे, फिर 1 से लेके 24 घटाएंगे, फिर आंसर आएगा। तो अगर लगातार संख्या है
ये पहली है, ये आखिरी है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है आपको। आइए इसमें समझाता हूँ थोड़ा। देखिए कोई भी सीक्वेंस अगर ए बी टाइप का है, यानी ए बी टाइप का कोई भी सीक्वेंस है, तो वो हमेशा 101 से भाग होगा, यानी विभाजित होगा। एग्जाम्पल लिखा मैंने ए बी, यानी कोई भी आप दो संख्या इस टाइप की ले सकते हैं, ए बी टाइप का, यानी 1 2 1 2 ले लिए, 3 4 3 4 ले लिए, 5 6 5 6 ले लिए, वो सारे 101 से भाग होंगे। पर अगर ए बी के अंदर एक और ए बी बढ़ा दिया जाए, तो एक जीरो एक और बढ़ाना पड़ेगा, और अगर दो बार ए बी बढ़ा दिया गया, तो दो बार जीरो एक बढ़ाना पड़ेगा। तो ये इससे भाग होगा, ये इससे भाग होगा, ये इससे भाग होगा। ए बी सी की जो सीक्वेंस है, जैसे कि ये हो गई 1 2 3 1 2 3, वो इन सबसे भाग होगी, ये ध्यान रखना है। ए बी सी डी की सीक्वेंस इससे भाग होगी, ये भी ध्यान रखना है। ए बी और बी ए का मतलब है एक दो अंकों की संख्या है और उसे उल्टा कर दिया गया, तो जोड़ेंगे तो 11 से भाग होगी हमेशा, और घटाएंगे तो हमेशा 9 से भाग होगी। और अगर 3 अंकों की संख्या है और उसे उल्टा कर दिया गया, तो वो हमेशा 99 से भाग होगी।
देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाते हैं। कोई संख्या दे रखी है जिसके अंदर कोई अंक संख्या है जिसके अंदर इतने अंक दे रखे हैं, मान लेते हैं 9 अंक दे रखे हैं, तो उसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे। तो अगर ऑड नंबर है तो +1/2 यानी 5 हो जाएगी, इवन नंबर है तो /2 करेंगे केवल। आगे देखते हैं, ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में आ चुके हैं, यानी 1 से लेकर अगर आप 100 तक लिखते हैं तो ऐसे कितनी बार आप पेन उठाएंगे, या ऐसा बोल सकता है, या कितनी संख्याएं लिखी जाएंगी, अंक लिखे जाएंगे, तो 192 उसका आंसर होगा। इसी तरीके से यहाँ पर आप देखते हैं कि 1 से लेकर अगर 100 तक लिखते हैं तो जो अंक लिखे गए हैं उनका योग क्या होगा। ये भी पूछ सकता है कि भाई जो अंक लिखे गए हैं उनका योग आपको पता है, और ये भी पता है कितनी संख्या है, तो औसत क्या होगा उनका, ये भी पूछ सकता है। यहाँ पर प्राइम नंबर के बारे में बात हो रही है, यानी अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर आप सभी को पता है, ऐसी संख्या जो किसी से विभाजित नहीं होगी, जिसका केवल एक ही फैक्टर होगा, वो है 1 या नंबर इटसेल्फ, यानी या तो नंबर होगा या 1 से भाग होगी। तो आपने कहे सारे प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर पे क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है। ये आपको ध्यान रखना है कि 1 से लेकर 50 तक 15 होते हैं, 50 से 100 तक 10 होते हैं, और 25 प्राइम नंबर होते हैं 1 से लेकर 100 तक। ऐसा नहीं है कि आपको पेपर में आया तो आप एक एक करके लिख के देख रहे हैं, क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में दोनों तीनों। आगे लिखिए, आइए देख लेते हैं। देखिए, कुछ कुछ क्वेश्चन ये सारे जो है आपके सामने लिखे हैं, सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, यानी ये सारी चीजें आपको एग्जाम में कई बार मिलेगी। ये तो मेंस का ही क्वेश्चन है, 14 या 15 मेंस का पेपर उठाएंगे उसमें मिलेगा आपको। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या, जो एग्जामिनेशन में जाके कई बच्चे 1 मार्क कर आते हैं, यानी 1 जो है आपका ना तो कंपोजिट है ना प्राइम है, ना तो उसे अभाज्य संख्या में गिना जाता है ना संयुक्त संख्या में गिना जाता है। तो 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर होगा, कंपोजिट नंबर सबसे छोटी। कंपोजिट नंबर ऐसे जिसके 3 फैक्टर कम से कम होने चाहिए, 3 यानी 1, 2 और 4। तो ये 4 ऐसी संख्या है जिसके 3 फैक्टर हैं, वो छोटी से छोटी है, 2, 4 और 1। फिर आपने देखा 2 को छोड़ के सभी नंबर जो हैं, सभी इवन नंबर जो हैं वो कंपोजिट हैं, जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, जितने भी इवन नंबर हैं सबके जो फैक्टर होंगे 3 से ज़्यादा होंगे या 3 के बराबर होंगे। 3 अंकों की छोटी से छोटी अभाज्य संख्या 101 है, यानी 3 अंकों के मिनिमम
छोटी से छोटी संख्या पूछी एग्जामिनेशन में कि भाई छोटी से छोटी प्राइम संख्या बतानी है जो 3 अंकों की है, वो 101 हो जाएगी। और जो कंपोजिट नंबर होगा यानी संयुक्त संख्या वो हो गई जिसके कम से कम 3 फैक्टर हों। और आप अगर देखेंगे तो सारे इवन नंबर जो हैं उसके 3 फैक्टर मिलेंगे ही मिलेंगे, केवल 2 को छोड़ के। 2 आपका प्राइम है, बाकी सारे इवन नंबर कंपोजिट हैं। तो देखिए आगे की क्लास आज नहीं करेंगे, आज इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में नंबर्स के बारे में जानेंगे, नंबर्स क्या हैं, और उन पे बेस कुछ एक्सेप्शन क्वेश्चन देखेंगे कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे कि आज हमने एक अलग टाइप की सीरीज देखी थी, अलग टाइप की सीरीज है कैसे कैसे घूम सकती है। सीरीज में उतना काफ़ी है, लगभग 30 के करीब हमने क्वेश्चन कर लिए, 29 के करीब क्वेश्चन, तो उतनी अगर आप सीरीज कर जाते हैं तो एग्जामिनेशन में हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, गुड बाय।